आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम सिंपल टर्म्स में वीबीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पर्पस क्या है? ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा था। वी डिस्कस्ड दैट कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो जरूरी कंडीशन है वो ये है कि एटम्स तभी बॉन्ड्स बनाते हैं जब उनकी शेल्स में, वैलेंस शेल के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ऑक्यूपाई होंगे। ठीक है, लेकिन हमने फिर बाद में देखा कि ऑक्टेट रूल की बहुत सारी लिमिटेशंस थी, सो दैट थ्योरी वॉज डिस्कार्डेड। ठीक, अब बॉन्डिंग क्यों होती है, एटम्स क्यों बॉन्ड्स बनाते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और थ्योरी दी गई, दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज वीबीटी। ठीक, सो वीबीटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हम दो अप्रोचेस यूज करेंगे। नंबर वन अप्रोच विल बी इन टर्म्स ऑफ एनर्जेटिक्स एंड नंबर सेकेंड विल बी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक, सो वीबीटी का क्या कहना है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। ठीक, सो वीबीटी कहता है कि एटम्स इसलिए कंबाइन होते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर ले। ठीक है ना, सो दैट मींस बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ उसी वक्त होगी जब सिस्टम लेस स्टेबिलिटी से मोर स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए। ठीक है, और वी नो कि थर्मोडायनेमिक्स कहता है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए वो हमेशा मूव करना चाहिए फ्रॉम लेस स्टेबल सिचुएशन टू मोर स्टेबल सिचुएशन। ठीक, अब लेस स्टेबल सिचुएशन कब होगी और मोर स्टेबल सिचुएशन कब होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स एनर्जेटिक्स। ठीक है, वी नो कि जब भी किसी सिस्टम के पास एनर्जी ज्यादा होती है वो उतना अनस्टेबल होता है। ठीक, और जब भी किसी प्रोसेस के दौरान एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, ठीक, वेन एवर ड्यूरिंग एनी प्रोसेस एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, इट लीड्स फ्रॉम लेस स्टेबिलिटी टू मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू वीबीटी, बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगी जब बॉन्ड बनने से पहले सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी और बॉन्ड बनने के बाद सिस्टम की एनर्जी कम होगी। ठीक, दैट मीन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसेस एनर्जी must be released. ठीक है, say for example, we'll take an example, the example of formation of hydrogen. ठीक है, H2, H2 molecule कैसे बनता है? ठीक, तो H2 molecule को बनाने के लिए हम पहले देखेंगे कि जब H2 नहीं बना था और उसके बाद देखेंगे हम जब H2 बनेगा उस वक्त इसके अंदर एनर्जेटिक्स में क्या चेंज आ जाएगी। ठीक, नाउ यू नो H2 मॉलिक्यूल किन से बना है? H2 मॉलिक्यूल बना है दो एटम से, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस हाइड्रोजन एटम एज HA एंड अनदर हाइड्रोजन एटम एज HB। ठीक, बट याद रखिए कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक जैसे हैं, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अब यहां पे कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम इनको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं यूजिंग द सबस्क्रिप्ट A एंड सबस्क्रिप्ट B। ठीक, यू नो हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सो मैं दो सिचुएशंस कंसिडर करता हूं। नंबर वन, जब इनके दरमियान बॉन्ड नहीं बना था। ठीक है, इनके दरमियान बॉन्ड नहीं बना था, दैट मींस ये एक हाइड्रोजन एटम उसका न्यूक्लियस, ठीक, और उस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के फील्ड में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा EA से, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा HA से। ठीक, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट्स द एटम ऑफ हाइड्रोजन HA, जिसमें न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन EA को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक, सो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विद सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से एट सम अदर पॉइंट हमारे पास क्या होगा? HB का न्यूक्लियस होगा। ठीक, और ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को EB को अपनी तरफ विद सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींचेगा। ठीक है ना, ये वाली सिचुएशन उस वक्त की है जब दो
दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान कोई भी बॉन्ड नहीं बना था। ये हाइड्रोजन एटम HA यहां पे है और ये हाइड्रोजन एटम HB इससे काफी दूरी पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन दिस हाइड्रोजन एटम एंड दिस हाइड्रोजन एटम। ठीक, सो बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हम देखें इस हाइड्रोजन एटम के अंदर किस तरीके के फोर्सेस हमें नजर आ रहे हैं। ठीक, देयर इज ओनली वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन ए। ठीक, सिमिलरली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होगा, एच बी का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन ई बी को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, और इन दो के दरमियान कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है कोई भी इंटरेक्शन, क्योंकि हमने इनको काफी दूरी पे रखा है जहां पे ये एक दूसरे के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं डालते हैं। ठीक है ना। नाउ व्हेन दे आर इनफाइनाइटली फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दो एटम्स को एक दूसरे के नजदीक ला रहा हूं ताकि ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करे। ठीक, नाउ अगर मैं इस एटम को इंफिनिटी से क्या ला रहा हूं, नजदीक नजदीक। ठीक, जैसे जैसे मैं इसको नजदीक नजदीक लाने की कोशिश करूंगा, अब ये किसके फोर्स फील्ड में आएगा, इट विल कम इनटू द फोर्स फील्ड ऑफ HA। ठीक, नाउ जैसे जैसे ये इसके फोर्स फील्ड में आना स्टार्ट करेगा व्हाट विल हैपन। ठीक, इनिशियली क्या था जब बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, जब बॉन्डिंग नहीं हो रही थी उस वक्त ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था और ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक, जैसे जैसे मैं क्या करूं, इनको एक दूसरे के नजदीक लाऊं ताकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें, नाउ व्हाट विल हैपन। ठीक, न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक, क्या मतलब, जैसे जैसे ये नजदीक आते जाएंगे व्हाट विल हैपन। ठीक, अभी तक ये न्यूक्लियस सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक, अब जैसे ही ये इसके नजदीक आएगा देयर इज नाउ अनदर प्रोबेबिलिटी कि ये न्यूक्लियस जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक, सिमिलरली इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, अब चूंकि जब ये नजदीक आएंगे नाउ दिस न्यूक्लियस कैन ऑल्सो अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन EA टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक, सिमिलरली एट द सेम टाइम क्या होगा, एट द सेम टाइम देयर विल बी न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एज वेल। ठीक, ये न्यूक्लियस अब जब नजदीक आएगा इस न्यूक्लियस के तो द लाइक चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक, ये इसको रिपेल करेंगे। ठीक है ना, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ठीक, नाउ दैट मींस बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले वहां पे कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस थे और जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जब ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, उस वक्त नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और नए फोर्सेस ऑफ रिपल्शन दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है ना, नाउ अकॉर्डिंग टू VBT बॉन्ड इनके दरमियान बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करेगा कि बॉन्डिंग से पहले और बॉन्डिंग के बाद एनर्जी का क्या होगा। ठीक है ना, नाउ यू नो जैसे जैसे ये नजदीक आ रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस भी आ रहे हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी। ठीक, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वी नो व्हेनेवर देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेस इट लीड्स टू रिलीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी। ठीक, और जब भी दो स्पीशीज के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेज होंगे, रिपल्सिव फोर्सेज की वजह से क्या होगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। ठीक है ना, नाउ दोनों चीजें यहां पे हो रही है, अट्रैक्शन भी हो रही है और रिपल्शन भी हो रही है। ठीक है ना, अब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब ये एटॉमिक स्टेट में रहना पसंद करेंगे कि ये कंबाइंड स्टेट में रहना पसंद करेंगे, ये ऑब्वियसली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। ठीक, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन the magnitude of repulsive forces, ठीक, in bonded state, इस combined state में अगर attractive forces ज्यादा है as compared to repulsive forces, ठीक, तो जाहिर सी बात है इस process के दौरान क्या हुआ होगा, energy release हुई होगी। ठीक है ना, और अगर process के दौरान energy release हो जाएगी तो system less stability से आएगा more stability की तरफ। ठीक, so that means in the uncombined state it was less stable and in the combined state it attains more stability। ठीक, and if this process takes place bond
बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. ठीक. अदरवाइज अगर रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, व्हाट विल हैपन, एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉम्बिनेशन विल इंक्रीज. दैट मीन्स इट विल लीड फ्रॉम लेस स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी टू लेस स्टेबिलिटी, एंड हेंस ये बॉन्डेड स्टेट में रहना पसंद नहीं करेगा, ये अनकंबाइंडेड स्टेट में ही स्टेबल था. ठीक है ना. सो सिंपली हमने इस एग्जांपल से ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि बॉन्ड फॉर्मेशन का रीजन क्या है. एंड अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी का क्या कहना है, दो एटम्स के दरमियान तभी बॉन्ड बनेगा जब लोअर एनर्जी, जब सिस्टम लेस स्टेबिलिटी से मोर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, या जब सिस्टम हाई एनर्जी से लेस एनर्जी कंटेंट की तरफ बढ़ेगा. ठीक. और जब भी दो एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे के नजदीक आते हैं, नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और नए फोर्सेस ऑफ रिपल्शन दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड बॉन्ड विल बी फॉर्मड ओनली एंड ओनली इफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सिव फोर्सेस. ठीक. क्यों? अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हुए तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी अनकंबाइंड स्टेट से. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये सिस्टम हमेशा अनकंबाइंड स्टेट के बजाय कंबाइंड स्टेट में ही रहने की कोशिश करेगा. ठीक है. सो वी विल कंक्लूड दैट व्हेनेवर टू एटम्स विल कम टुगेदर फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, attractive forces as well as repulsive forces will come into existence. A bond will be formed only and only when attractive forces are dominant as compared to repulsive forces. ठीक है. as compared to repulsive forces. ठीक. अब इसी चीज को अगर हम graphically represent करने की कोशिश करें, ठीक है ना, इसी चीज को अगर हम graphically represent करने की कोशिश करें, we can show the process in a simple ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल ग्राफ, जो कि ऑटोमेटिकली, जो कि खुद ब खुद इस चीज को एक्सप्लेन करेगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त एनर्जेटिक्स का क्या होता है. ठीक. इफ ए प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एनर्जी ऑफ द सिस्टम वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक. इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है ना. से दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी इक्वल टू जीरो, इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, इसके नीचे नेगेटिव वैल्यू. ठीक. नाउ अगर मैं हाइड्रोजन एटम एच ए को यहां पे रख रहा हूं, ठीक, और यहां से मैं क्या जा रहा हूं, आगे आगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है ना. लेट्स से दिस इज इंफिनिटी, इन्फिनिटी डिस्टेंस. ठीक. तो यहां पे मैंने इनिशियली क्या रखा था, एच बी. ठीक है. सो व्हेन एच ए एंड एच बी आर इनफाइनाइटली फार अवे फ्रॉम ईच अदर, उस वक्त क्योंकि उन दोनों के ऊपर एक दूसरे का इन्फ्लुएंस जीरो होता है, एंड यू नो इन्फिनिटी के ऊपर एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हम क्या लेते हैं, वी टेक इट इक्वल टू जीरो. ठीक. यू ऑलरेडी बी मस्ट बी नोइंग दिस थिंग कि इन्फिनिटी पे हम एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या लेंगे, जीरो, क्योंकि इन एट इन्फिनिटी ना एच ए और एच बी के दरमियान कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती है, ना अट्रैक्टिव फोर्सेस ही है ना रिपल्सिव फोर्सेस ही. ठीक. सो व्हेन एच बी वॉज एट इन्फिनिटी द एनर्जी ऑफ द सिस्टम वॉज इक्वल टू जीरो. ठीक है. अब जैसे जैसे मैं एच बी को क्या लाता जाऊंगा, नजदीक लाता जाऊंगा. ठीक है ना. जैसे जैसे ये नजदीक आते जाएंगे, व्हाट विल हैपन, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी आएंगे और रिपल्सिव फोर्सेस भी आएंगे. ठीक. अब चूंकि इन दोनों के दरमियान बॉन्ड तभी बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगे एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस. ठीक. सो दैट मीन जैसे जैसे ये नजदीक आएंगे दोनों फोर्सेस आएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी और रिपल्सिव फोर्सेस भी, मगर बॉन्ड तभी बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे एनर्जी ऑफ द सिस्टम का क्या होगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होगा. सो इनिशियली द एनर्जी वॉज इक्वल टू जीरो, जैसे जैसे मैं इनको नजदीक लाता जाऊंगा व्हाट विल हैपन, द एनर्जी विल गो ऑन Decreasing, it will go on decreasing. ठीक. लेकिन ultimately जब हम एक इस point पे पहुंचेंगे यहां पे, that means जब HB को मैंने infinity से इस distance तक, इन दोनों के दरमियान की जो ये distance है यहां तक मैं लाऊंगा, ठीक है ना. अब यहां पे क्या होगा, यहां पे इनके दरमियान attractive forces maximum होने का मतलब energy release क्या होगी, मैक्सिमम. ठीक. सो अगर एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होगी तो इसका नेट एनर्जी कंटेंट क्या होगा, सबसे कम होगा.
ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस एच बी को और ज्यादा नजदीक लाता हूं एच ए की, ठीक ना, वहां पे हम क्या देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि एनर्जी डिक्रीज होने के बजाय अब धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। ठीक, एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्या मतलब एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे मैं इनको नजदीक ला रहा था, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पे, जैसे जैसे मैं दो एटम्स को नजदीक ला रहा था, ठीक, अट्रैक्टिव फोर्सेस वर मोर डोमिनेंट एज कम्पेयर टू द रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने इनको फॉर एग्जाम्पल इस डिस्टेंस पर पहुंचा दिया, यहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम है, ठीक। लेकिन अगर मैं फिर इससे और थोड़ा आगे इसको ले जाने की कोशिश करूं, अब वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक। क्यों रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज होंगे, जाहिर सी बात है जितना आप इनको ज्यादा नजदीक लाएंगे, अब न्यूक्लियाई आपस में ज्यादा नजदीक आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में ज्यादा नजदीक आएंगे, जितना इनके दरमियान ज्यादा नजदीकी बढ़ेगी उतना उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, ठीक है ना। सो यहां तक, यहां इन्फिनिटी से नजदीक लाने पर अट्रैक्शंस भी हो रही थी, रिपल्शंस भी हो रही थी, मगर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अट्रैक्शंस आर मैक्सिमम, लेकिन अगर मैं इससे और ज्यादा नजदीक एटम्स को लाता हूं, अब वहां पे रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब न्यूक्लियाई काफी नजदीक आ चुके होंगे, इलेक्ट्रॉन्स काफी नजदीक आ चुके होंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उनके अंदर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी, एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। इसीलिए यहां पे जब इन्फिनिटी पे थे एनर्जी ऑफ द सिस्टम वॉज इक्वल टू जीरो, जैसे जैसे हम इनको नजदीक ला रहे हैं एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, जब हम इस मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंच गए, यहां पे एनर्जी सबसे कम थी सिस्टम की, अगर उससे और ज्यादा नजदीक में लाने की कोशिश करूं व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ एनर्जी, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। सो अगर हम देखें ओवरऑल देखें हम यहां पे और यहां पे, इस डिस्टेंस पे यहां से लेके यहां तक, इस डिस्टेंस पे एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होगे, मैक्सिमम होंगे, ठीक। तो अगर मैं एच ए और एच बी को नजदीक लाऊं, वो हमेशा कहां पे रहना पसंद करेंगे, इस डिस्टेंस पे रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इस डिस्टेंस पे इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे, मैक्सिमम, ठीक। अगर मैं एच बी को यहां पे रखूं, क्या ये इधर ही रहेगा, नहीं, ये खुद ब खुद नजदीक आएगा यहां तक, लेकिन इसके आगे ये नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिनिमम होगी, ठीक। सो दिस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ टू कंबाइनिंग एटम्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस मिनिमम डिस्टेंस जहां पे ये हमेशा रहेंगे ताकि सिस्टम की एनर्जी सबसे कम हो, ठीक है ना, उस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं, वी कॉल दिस डिस्टेंस एज बॉन्ड लेंथ, हम इसको क्या नाम देते हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक। इसी तरीके से यहां पे एनर्जी क्या थी सिस्टम की, जीरो, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहां तक डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। सो इनिशियली कितना वैल्यू था एनर्जी का, जीरो, अब जब बॉन्ड बन चुका होगा उस वक्त एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, ये, ठीक है ना। तो यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी डिफरेंस है वो है ना एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, और आई कैन से द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द मिनिमा ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ठीक। ये मुझे क्या देगा, ये मुझे बताएगा कि ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक, और कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं बॉन्ड एनर्जी, वी कॉल सच अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड, हम उसको नाम देते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। सो वीबीटी का पहला अप्रोच एनर्जेटिक्स के हिसाब से, सो बॉन्ड इसीलिए बनते हैं क्योंकि जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त अट्रैक्शंस होती है मोर डोमिनेंट और एनर्जी रिलीज हो जाती है, सिस्टम स्टेबिलिटी अटेन करता है, ठीक है ना। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर कि अब यहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे कि रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, वो मुझे कैसे पता चलेगा, दैट्स एन एक्सपेरिमेंटल थिंग, ठीक है ना। अब इसी चीज को कि एटम्स के दरमियान कब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे और कब रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, मतलब इनके दरमियान बॉन्ड कब बन सकता है कब नहीं बन सकता है, उसको हम विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन कैसे देखें, ठीक। तो इसी चीज का दूसरा वर्जन है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल अप्रोच, ठीक है ना। सो इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल अप्रोच वीबीटी का क्या कहना है, ठीक है ना। अब मुझे सिर्फ एटम्स की तरफ देखना है
एटम्स को देख के ही मुझे बताना है कि क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एच और एच मुझे बोला जाएगा विल एच टू बी फॉर्म्ड और नॉट, ठीक है ना। इसी तरीके से मुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या HE2 हीलियम मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो मैं अब कैसे बताऊं कि H2 बनेगा कि नहीं बनेगा, HE2 बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। उसके लिए VBT का एक और अप्रोच है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल ओवरलैप अप्रोच, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच हमें क्या याद रखना है, इस अप्रोच के हिसाब से हम याद रखेंगे कि VBT कहता है दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड कैसे बनता है, फिजिकली अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक। सो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड तभी बनेगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए, जब इस एटम के पास और इस एटम के पास, दोनों एटम्स के पास क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। दोनों एटम्स के पास क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स इस एटम के पास भी अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, अनपेयर्ड का मतलब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके पास भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, कहां पे, इन दियर वैलेंस शेल, ठीक। दैट इज व्हाई द नेम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दैट मींस बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू VBT टू एटम्स कब बॉन्ड बनाएंगे, दो एटम्स कब बॉन्ड बनाएंगे, जब इस एटम के पास भी क्या होंगे, अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इस एटम के पास भी क्या होंगे, अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अब उन अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ये क्या करेंगे, इसका अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जब नजदीक आएंगे ये दो एटम्स, इसका अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इसके अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, पार्शियली ओवरलैप करेंगे, ठीक। दे विल ओवरलैप विद ईच अदर, पार्शियल ओवरलैपिंग विल टेक प्लेस, ठीक है। मगर जब ओवरलैपिंग होगी तो ये क्या होने चाहिए, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स, ठीक। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान तभी बनेगा जब दोनों एटम्स के पास क्या होंगे, अवेलेबल हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। और वो उन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या करेंगे, जब वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, इसका हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक। बट यू रिमेंबर दैट द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप शुड बी पार्शियल, ठीक, कंप्लीट मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है ना, पार्शियल ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा, ठीक। मगर एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये कि इन दोनों के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स तो होने चाहिए, मगर उन एटॉमिक उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो होनी चाहिए, इट मस्ट बी अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल चीज, एटम्स या अ केमिकल बॉन्ड और वी कैन से कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय द पार्शियल ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद अपोजिट स्पिन्स, ठीक है ना। दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड तभी बनेगा जब दोनों एटम्स के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे और उनकी स्पिन होनी चाहिए अपोजिट, फिर वो क्या करेंगे, उन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, क्लियर, ठीक है। और नंबर सेकंड थिंग इज दैट कि ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग बनेगा, ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग बनेगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उनके दरमियान एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कितना होगा। मिसाल के तौर पर अगर दो ऑर्बिटल्स के दरमियान एक्सटेंट, तो जाहिर सी बात है जितना ऑर्बिटल ओवरलैप ज्यादा होगा उतना बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, ठीक। जितना ऑर्बिटल ओवरलैप कम होगा उतना बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, उतना बॉन्ड वीक होगा, ठीक है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, ठीक। जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा उतना केमिकल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, बट यहां पे याद रखना है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप शुड नॉट एक्सीड 50%, ठीक है ना, 50% से ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 50% से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा, जितना ये ज्यादा ओवरलैप करेंगे उतना ये आएंगे ना नजदीक, तो उतना उनके न्यूक्लियर एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, तो वहां पे रिपल्शंस हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होना चाहिए, ठीक, जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप 50% से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो अगर 50% से ज्यादा ओवरलैप करेंगे तो अब न्यूक्लियर एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जो कि एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, ठीक है। सो हम इसी कॉन्सेप्ट को फिर से एक्सप्लेन करेंगे बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। सो क्या याद रखा हमने कि दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स तभी बनेंगे जब दोनों एटम्स के पास क्या होंगे, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स
उसके पास होने चाहिए या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में, ठीक। दैट मींस अगर हम एटम को एक्साइट कर सकते हैं एंड आफ्टर एक्साइटेशन इट हैज अनपियर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हम H2 की बात करें, क्या H2 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ठीक। सो VBT असल में क्या कहता है कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो बनेगा, अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो नहीं बनेगा। अब फिजिकली मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे सिंपली क्या देखना है कि ये किन से बना है, हाइड्रोजन एटम से। इसका एटॉमिक नंबर वन, इसका एटॉमिक नंबर वन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s1। व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s1। सो बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन है, जिनको बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है उनके पास क्या होने चाहिए, हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यू नो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच सकते हैं, दो, तो इसमें कितने हैं, एक ही है, सो दिस इज अनपेयर्ड। इसमें भी क्या है, अनपेयर्ड। सो दोनों के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन के पास हमें पता है क्या होता है अवेलेबल, उसका एक न्यूक्लियस और उसका इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन, उस दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और अनप्योर इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन मैंने क्या दिखाई, स्पिन अपोजिट, ठीक। नाउ जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे, व्हाट दे विल डू, क्या करेंगे, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल इसके एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, पार्शियल ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। और उस पार्शियल ओवरलैप की वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट H2 मॉलिक्यूल बनना चाहिए, ठीक है ना, H2 मॉलिक्यूल बनना चाहिए, ठीक है। इसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, ठीक। क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यू नो कि हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, उसके पास जो ये एक इलेक्ट्रॉन होगा वो किस ऑर्बिटल में अवेलेबल है, एस में। एंड यू नो एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। आपने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से होती है, ठीक है। So this represents the atomic orbital 1s of one hydrogen, ठीक। And you know nucleus के नजदीक electron density क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक। और जैसे जैसे हम nucleus से बाहर जाते हैं electron density हल्की हल्की हो जाती है, density decrease हो जाती है, ठीक। Similarly दूसरा hydrogen atom भी है ऐसे ही nucleus, उसके पास भी क्या होगा, 1s atomic orbital, 1s atomic orbital like this, न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा, 1s of another, ठीक। Now यहां से भी हमें पता चल सकता है कि अगर हम इस हाइड्रोजन एटम की बात करें, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे सिर्फ इसका, इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक, और इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे सिर्फ इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे, व्हाट विल हैपन, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कुछ हिस्सा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कुछ हिस्से के साथ पार्शियली मर्ज हो जाएगा, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा, अगर मैं दिखाऊं ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस इसका, ठीक। सो आई शुड लाइक दिस, ठीक। तो जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, यू कैन सी कि ये वाला रीजन जो है जिसने ओवरलैप किया, ठीक, उस ओवरलैप्ड रीजन में यहां पे जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एटम की थी, इस हाइड्रोजन एटम की, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी थी, इस हाइड्रोजन एटम की। लेकिन जब इन्होंने ओवरलैप किया तो यहां पे इसकी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अपने एटॉमिक ऑर्बिटल में भी है, इसकी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने एटॉमिक ऑर्बिटल में भी है, बट एट द सेम टाइम ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ठीक, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी भी है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एटम की भी है, ठीक। एज सच
कि जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी है, ये एटम ए की है कि एटम बी की है, वी विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश, ठीक है ना। सो यहां पे इस ओवरलैप्ड रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे दोनों का हक है, इस एटम का भी और इस एटम का भी, और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे साइमल्टेनियसली इस न्यूक्लियस का भी अट्रैक्शन होगा और इस न्यूक्लियस का भी अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। और यहां पे आप देख लीजिए अनबॉन्डेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे सिर्फ एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था, लेकिन जब इन्होंने ओवरलैपिंग किया तो इस ओवरलैप्ड रीजन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पे साइमल्टेनियसली दो न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक। तो क्लियरली आप देख सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं बॉन्डेड स्टेट में एज कंपेयर टू द इन द अनबॉन्डेड स्टेट, समझ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो सिंपली हमें क्या याद रखना है, दो एटम्स के दरमियान तभी बॉन्ड बनेगा जब उनके पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, या तो उनके ग्राउंड स्टेट में या उनके एक्साइटेड स्टेट में, ठीक। तो वो क्या करेंगे, उन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के नजदीक लाके पार्शियल ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि क्या हीलियम मॉलिक्यूल बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कैन हीलियम मॉलिक्यूल बी फॉर्म्ड और नॉट, हीलियम मॉलिक्यूल बन सकता है कि नहीं बन सकता है, हीलियम कैन एचई टू बी फॉर्म, तो आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे एचई, एटॉमिक नंबर टू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, दूसरा हीलियम सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ठीक। अब इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, पहली, फर्स्ट शेल, इसकी पहली शेल भी है और इसकी लास्ट शेल भी है, ठीक है ना। एंड यू नो फर्स्ट शेल में सिर्फ क्या अवेलेबल होता है, 1s, दैट मींस इसमें कोई दूसरी शेल अवेलेबल नहीं है, दूसरा ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच सकते हैं, दो, और ऑलरेडी इसके अंदर कितने हैं, दो, तो क्या ये हाफ फिल्ड है, नहीं, इट इज कंप्लीटली फिल्ड। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज अगेन कंप्लीटली फिल्ड। तो क्या ये बॉन्डिंग की कैपेसिटी रखता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी, नो। क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेबल है, नो, ठीक है ना। सो दैट मींस ना तो इसके पास बॉन्डिंग के लिए कंडीशंस फुलफिल हो रही है ना इसके पास, तो क्या दो हीलियम एटम्स आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो HE2 विल नॉट बी फॉर्मड, हाउएवर H2 मॉलिक्यूल विल बी फॉर्मड, ठीक है। अब एक और चीज हम यहां पे याद रखेंगे कि ऑर्बिटल ओवरलैप, ठीक, दो एटम्स का क्या करना है, ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना है, ठीक है ना। अब वो ऑर्बिटल्स कौन हो सकते हैं, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स कैन बी s, दे कैन बी p, दे कैन बी d, दे कैन बी f, ठीक। तो कभी कभी क्या होगा, किसी दो एटम्स के इसका भी s ऑर्बिटल इसके s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक, या एक का p ऑर्बिटल दूसरे के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, या एक का s ऑर्बिटल दूसरे के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। सो वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स, ss ओवरलैप, ठीक, वी कैन हैव sp ओवरलैप, वी कैन हैव pp ओवरलैप, ठीक है। बट यू विल रिमेंबर वन थिंग कि ss ओवरलैप, pp ओवरलैप और sp ओवरलैप, इन तीनों का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप एक जैसा नहीं होता है, ठीक। तो अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप एक जैसा नहीं होगा, दैट मींस इनके वजह से जो बॉन्ड्स बनेंगे उनकी स्ट्रेंथ भी एक जैसी नहीं होगी, ठीक। यू विल रिमेंबर ऑलवेज कि pp ओवरलैप, जब भी दो एटम्स के किन ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप होगा, एक का पी दूसरे के पी के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये ओवरलैप ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर अगर दो एटम्स के एस और पी ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैप हो, ये ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू एस एस ओवरलैप, ठीक। सो यू रिमेंबर दिस थिंग, ये हमें आगे हेल्प करेगा कुछ चीजें अंडरस्टैंड करने में। रिमेंबर दैट जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप हमेशा सेम नहीं होता है। अगर दो पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, उनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एस पी ओवरलैप, एज कंपेयर टू एस एस ओवरलैप, ठीक है। नाउ we'll be discussing some more examples on VBT, और उसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैप के बारे में, ठीक।